हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो आज आज का डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्टिफिकेशन के बारे में। रिपोर्ट्स कोई भी आई हुई है डेजर्टिफिकेशन के बारे में, और फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंडिया के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए, और स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है इन चीज़ों के बारे में। 2017 वाला लेटेस्ट रिपोर्ट था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पीजीपी गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूँ, तो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बाय अरोरा सर, हु इज़ एन एक्सपीरियंस मेंटर। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनकी यूपीएससी जर्नी में। तो आपको एक हैंड होल्ड अप्रोच दिया जाएगा, स्टेप टू स्टेप बता दिया जाएगा, 1-to-1 डेली बेसिस पे क्लियरिंग सेशंस भी हो जाएगी, आंसर रिटन टेक्निक्स बता दिया जाएगा, मिनी टेस्ट, मेन्स टेस्ट ऑफ मंथली बेसिस, माइंड मैप दिया जाएगा, 1-to-1 आंसर राइटिंग टेक्निक्स, पर्सनल फीडबैक भी होगा, और इंडिविजुअल टाइम टेबल के हिसाब से आपको टाइम टेबल दिया जाएगा सर के थ्रू, ताकि आपके प्रिपरेशन और आसानी से बना दें, ताकि एक स्ट्रेटजी बना दें, आपके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ के ऊपर बदल दें, ताकि आप मंजिल तक पहुंच जाएं। उसके लिए आपको एक मेंटर की तरह अरोरा सर गाइड करेंगे। तो इनके सारे चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिलो मेंशनड डिटेल्स के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। डेजर्ट इकोसिस्टम, देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम ऐसे होते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल लेस दैन 25 सेंटीमीटर्स, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेशन होता है ना कि रेनफॉल। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होती है क्योंकि बारिश ही नहीं है, यहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएंगे। और यहाँ पे श्रब्स मतलब छोटे छोटे पौधे जहाँ पे ज़्यादा होती हैं, जो ड्राई रहती हैं, ब्राउन कलर में होती हैं, ग्रीन कलर में ज़्यादा पाई नहीं जाती हैं। और यहाँ पे प्लांट्स के ना लीव्स नहीं होती क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लीव्स ना होते हुए ऐसी अडेप्टेशन हुई हुई है यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना का, जहाँ पे वाटर का लॉस कम करने के लिए वो अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब जो भी फ्लोरा एंड फौना होती है वाटर को लॉस कम करने के लिए, वैसे ये ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर लेते हैं इस सिचुएशन में। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, कि कैक्टस को थिक सकुलेंट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वार्म वाटर को स्टोर कर लेंगे लॉन्ग ड्रॉप्स के सिचुएशन पे। और ऐसी कौन सी अडेप्शन लेते लेके आते हैं डेजर्ट प्लांट्स, जिसकी वजह से उनके अंदर जो वाटर है उसको सस्टेन करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए, वैसे वाले क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं वैसे भी डिस्कस करने वाले हूँ आपके साथ। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में वैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिजर्ड, हॉक, फॉक्स, स्नेक, रोडेंट्स एंड सम स्कॉर्पियंस एंड लिजर्ड्स, जहाँ पे ये बहुत ही नॉक्टर्नल सिचुएशन में, मतलब पूरी दिन ये बाहर नहीं आएंगे क्योंकि पूरी दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स, मोर देन 30 डिग्रीज टेम्परेचर्स पाई जाती हैं इस रीजन्स पे, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ रात को ही निकलती है बाहर और पूरा फूड के बारे में यहाँ वहाँ घूम लेती है और सारा फूड कलेक्ट करके आगे फिर बरोस में चली जाती है। तो ऐसे कौन से प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट पाई जाती है। हॉट डेजर्ट्स देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं, जैसे कि आर्कटिक डेजर्ट है, अंटार्कटिक डेजर्ट है, दो डेजर्ट से बहुत ही फ्रोजन है ब्लू कलर में, और रेड डेजर्ट वैसे हॉट डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर्स पाई जाती हैं, जैसे सोनोरन, मोजावे, चिनहुआन, देन सहारन, अरेबियन थार डेजर्ट जो इंडिया में है, देन स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन, तनामी एंड ऑल दैट। ग्रीन वाले आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वाले डेजर्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड कंडीशंस, ये टेम्परेट बेल्ट्स में पाई जाती है, इसीलिए इसका थोड़ा सा टेम्परेचर अलग है, इसीलिए इनका जो कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से इन ये कोल्ड डेजर्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी देख लेंगे आगे जाके। तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझने के लिए ये वाला डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पे, कि 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पे कौन से डेजर्ट्स पास होती हैं। 30 डिग्रीज नॉर्थ में ग्रेट बेसिन मोहावे, देन काराकुम एंड गोबी तकलामकान डेजर्ट्स। इक्वेटर पे आओगे तो सोमाली वाले डेजर्ट्स बहुत ही हीटेड कंडीशन होते हैं। 30 डिग्रीज साउथ पे आओगे तो पेरुवियन अटागामा पेंटागोनियन डेजर्ट्स एंड नमीब एंड ग्रेट सैमसन डेजर्ट्स, ऐसे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि कभी भी नॉर्थ एंड साउथ या फिर नॉर्थ वाले 30 डिग्रीज में ऐसे कौन से डेजर्ट्स पाए जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट कभी भी पूछ सकते हैं मैप पॉइंटिंग के थ्रू। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोरा एंड फौना पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में कैक्टस प्लांट्स देख लीजिए, प्रिकली पीर, कैमल एंड डेजर्ट ऑसेस, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जहाँ पे डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब आते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट के बारे में। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में रेनफॉल 1.5 सेंटीमीटर साल भर का, सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा सा ड्रिजल्स होती जाएगी, और इनलैंड सहाना पे तो 1.5 से भी कम बारिश होती है। सहारा, कालाहारी, चिनहुआन, सोनोरन, मोहावे,
इस डेजर्ट्स पे हॉटी एंड ड्राई कंडीशंस पाई जाती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे श्रब्स मतलब छोटे छोटे पौधे पाई जाती है। नॉक्टर्नल नेचर, कांगरू रैट्स, मॉर्निंग ग्रेट ईटर्स एंड हॉर्न वाइपर्स, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलती हैं। और फिर सेमी डेजर्ट में आते हैं। सेमी डेजर्ट मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर्स नॉर्मल है, मतलब 21 to 38 degrees, जहाँ पे समर लॉन्ग मतलब लंबी होती है और इनका रेनफॉल इन रीजन्स में 2 to 4 centimeters। और इन जगह का कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स जो है, बुरसेज, वाइट थॉर्न, कैटलॉ, एनिमल्स लाइक उता, मोंटाना, ग्रेट बेसिन, वैसे एनिमल्स पाई जाती हैं। ये ऐसे कौन से जगह हैं जहाँ पे सेमी एरिड डेजर्ट्स पाई जाती हैं? वो है ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, न्यूफाउंडलैंड, रशिया, यूरोप, नॉर्थन एशिया। तो फिर से मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हॉट डेजर्ट्स कहाँ पे पाई जाती हैं, कोल्ड डेजर्ट्स, और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसी कंफ्यूजन पॉइंट्स के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिर से मैंने ये मैप को यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अभी आते हैं कोस्टल डेजर्ट्स पे। कोस्टल डेजर्ट वो कोस्टल डेजर्ट्स वहाँ जहाँ पे एक बाउंड्री लाइन कोस्ट से मिलती जाती है, ताकि यहाँ पे 15 to 35 degrees टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि कोस्ट है। जैसे अटाकामा, चिली वाले रीजन, मतलब वेस्टर्न वाले पोर्शन, ये देखिए इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे अटाकामा डेजर्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे कोस्ट बहुत नज़दीक है, इसीलिए इसको कोस्टल डेजर्ट कहते हैं। जहाँ पे रेनफॉल अच्छा खासा रेनफॉल होता है, 8 to 13 centimeters, क्योंकि कोस्ट के आसपास है। वार्म समर्स एंड लॉन्ग समर्स ऑल्सो, मतलब समर्स अच्छे से होती है और फिर विंटर भी पाई जाती है ऐसे रीजन्स में। और एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज के नाम मैंने यहाँ पे बता रखी है, आप थोड़ा सा जस्ट ग्लांस कर लीजिए, क्योंकि कभी भी वो एक दो तीन ऑप्शंस में देखते हुए पूछ सकते हैं कि ये वेजिटेशन किस इकोसिस्टम में पाई जाती है, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो जाए। तो अभी कोल्ड डेजर्ट पे आते हैं। कोल्ड डेजर्ट ऐसी रीजन्स पे हैं जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोल्ड वाले पोर्शंस मतलब फ्रोजन कंडीशंस, -डिग्री टेम्परेचर्स पे होती हैं, उस वाले पोर्शंस को हम कोल्ड डेजर्ट्स, जैसे कि तुंद्रा डेजर्ट्स, टाइगर डेजर्ट्स कहते हैं। तुंद्रा रीजन्स में जो पाए जाते हैं कोल्ड डेजर्ट्स होती हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक पोर्शन में। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है या फिर 2 to 25 degrees। प्रेसिपिटेशन बहुत अच्छे से होता है क्योंकि पानी की दिक्कत तो इस रीजन्स में है ही नहीं, इसीलिए तो नाम है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे शॉर्ट मॉइस और मॉडरेटली वार्म, मतलब थोड़ा सा हल्का सा वार्म समर्स होगा, इतना भी ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा वार्म नहीं होगा। एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं? ग्राउंड स्क्विरल्स, किट फॉक्स, कॉयोटे, देन कैंगरू माइस, पॉकेट माइस, ग्रास हॉपर माइस। तो एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे ये बता दिया गया है कि कोल्ड डेजर्ट्स ऐसे लोकेशन पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कोस्टल डेजर्ट्स भी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो नमीब और अटकामा आर द कोस्टल डेजर्ट्स, और कोल्ड डेजर्ट्स और लोकेशन पैंटागोनिया, काराकम, ईरानियन, गोबी डेजर्ट आर ऑल कोल्ड डेजर्ट्स। अब हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स में क्या डिफरेंस है? अब हॉट डेजर्ट्स में देखिए, लो एलिवेशन में मतलब 0 degrees या फिर 0 to 30 degrees मैक्सिमम देयर फाउंड, क्योंकि उस टेम्परेचर में ट्रॉपिक्स मतलब हीटेड टेम्परेचर्स, वहां पे ज्यादा हॉट डेजर्ट्स पाई जाती है। फार फ्रॉम ओशंस मतलब इंटीरियर लोकेशन पे, अगर कोस्टल डेजर्ट पे होगा तो वहां पे थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर इफेक्ट होगी, मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा, अच्छे से रेगुलेट होता जाएगा। इसीलिए हॉट डेजर्ट्स इंटीरियर लोकेशंस पे पाई जाती है और लो लैटिट्यूड्स और लो एलिवेशंस पे। अब कोल्ड डेजर्ट्स में देखिए हाई लैटिट्यूड्स, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फ्रोजन टेम्परेचर्स पाई जाती है, इसीलिए कोल्ड डेजर्ट हाई लैटिट्यूड्स और हाई एलिवेशन पे पाई जाती है। तो मेजर डेजर्ट्स ऑफ द अर्थ फिर से आपको बता रही हूँ क्योंकि इसी मैप्स के थ्रू आपको याद करने का अच्छे से तरीका हो जाएगी। बार बार मैप्स को देखोगे तो अच्छे से याद कर पाओगे, रिकॉल भी कर पाओगे एग्जाम में। अब आते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन होती क्या है? डेजर्टिफिकेशन ये मतलब नहीं है कि जो डेजर्ट्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि थार डेजर्ट है अभी राजस्थान और थोड़े से एमपी में है, अगर वो बढ़ते जाते हुए यूपी में पहुंच जाएगी, उसको डेजर्टिफिकेशन नहीं कहते। वो जो लैंड वहां पे है ना, और ज्यादा नुकसान हो जाएगी। मतलब जैसे देखिए कुछ कैंगरू माइस है वहां पे, और कैंगरू रैट को क्या हो गया वहां पे, वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है उस सिचुएशन को, और उनकी स्पीशीज को बहुत नुकसान हो गई उस रीजन में। तो उस वाले लैंड डिग्रेडेशन को, जो कंडीशंस वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है वहां पे सर्वाइवल रेट के लिए, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन इसीलिए होता है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है उस एरिया में, इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज हो जाता है, जैसे कि पावर्टी, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, बैड इरिगेशन प्रैक्टिसेस, कोई भी एरिया हो जाए
और डेजर्ट और लाइक कंडीशंस के लिए लायक हो जाएं, जो ऐसे जो भी लोकेशन और लैंड यूज पैटर्न की वजह से उन जैसे चीजों को, उन जैसे एरियाज को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी ही ले लेते हैं ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से पानी तब तक ले लेते हैं जहां तक वो खत्म ना हो जाए। उसके बाद क्या हो जाता है, लैंड यूज पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, वहां पे पानी बिल्कुल नहीं मिलती है और उसकी वजह से ड्राई कंडीशन पाए जाते हैं और लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो वैसे वाले सिचुएशन को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि एक ड्राई रीजन बन गया है उस सिचुएशन में। तो इंडिया में देखिए ऐसे कौन से रीजन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है, वाटर इरोजन की वजह से, एसिडिक सॉइल्स की वजह से, देन विंड इरोजन, बहुत सारे ऐसे रीजन है जो लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। इसीलिए डेजर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और हमें पढ़ना चाहिए और इंडिया को भी स्टेप्स लेना चाहिए कि इसको रोके। पर पहले समझ रहे थे कि इसका कॉजेस क्या हो सकता है, कहाँ से शुरू होती है डेजर्टिफिकेशन। पहले तो ओवर ग्रेजिंग, मतलब घास फूस खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं लाइफ स्टॉक के, जैसे कि बफेलोस, काउस और शेप्स और गोट्स जो हम पालते हैं, उन लोग बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर लेंगे तो वहां का जो प्लांट सिस्टम है अगर वो खत्म हो जाए ना, उस लैंड का जो सॉइल प्रॉपर्टी है एरोजन की वजह से ना इधर उधर चली जाएगी। उसकी वजह से जो लोकल लैंड और सैंड है वो पूरा खत्म ही हो जाएगी, सिस्टम मतलब डिग्रेड ही हो गया उस सिस्टम का। अब डिफॉरेस्टेशन को देखिए, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, सारे पेड़ पौधे को आपने काट दिया, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल वहां पे रीजन पे डिस्टेबिलाईज हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। और दूसरी बात है स्लैश एंड बर्न, मतलब वहां पे आपने देखा था जैसे स्टबल बर्निंग हो रही है अभी दिल्ली में, जो प्लांट्स आपने काट दिया उसको आप जला रहे हो, उसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टी खराब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रही है। ये मैन मेड कॉजेस है, जैसे कि अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑल्सो। सो ये थोड़े से कॉजेस है। डेजर्टिफिकेशन नेचुरल भी होती है, पर नेचुरल का कॉजेस मैन मेड से कॉजेस के बारे में आप कंपेयर करोगे, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मैन मेड कॉजेस में आती है। अब नेचुरल कॉजेस में देखिए, क्योंकि वाटर एरोशन भी हो सकता है, मतलब जैसे ज्यादा बारिश हो गई है उस रीजन में, ज्यादा हवा चल रही है, या फिर ज्यादा कुछ अर्थक्वेक हो गई है वहां पे उस रीजन पे, तो ऐसे सी रीजंस की वजह से भी वहां पे डिग्रेड हो सकती है, मतलब लैंड की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। इसीलिए लैंड का प्रॉपर्टी इतना चेंज हो रहा है, इसीलिए इंडिया में कुछ एक ऐसे लैंड डिग्रेडेशन एटलस लेके आई है इसरो के साथ। इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इसरो क्या करती है, एक सैटेलाइट को ऊपर भेजते हुए उस सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्स निकालती है सारे पोर्शंस के, कि कहाँ कहाँ पर डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है, उसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन एटलस। 2016 के तौर पर हमें पता चला, 2003 और 5 के अंदर 28.76% जो लैंड है इंडिया में, जो कि 94.53 मिलियन हेक्टेयर से, वो पूरा का पूरा डिग्रेडेशन मतलब खराब वाली सिचुएशन में हो गई है। अब 2011 to 13 के देखोगे तो और ज्यादा ये परसेंटेज बढ़ी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्लेज लेते हैं, मतलब एक शपथ ले लेते हैं कि 26 मिलियन हेक्टेयर को हम फिर से 2030 के अंदर ही हम उसको फिर से एक अच्छे से रूप में लेके आ जाएंगे, मतलब जिस एरिया में नुकसान हो रही है उसको फिर से अच्छे से अच्छा करने के लिए कुछ काम करेंगे वहां पे। क्या करेंगे अब आगे जाके देख लेंगे, पर अभी ये कमिटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के एरा से देख लेते हैं, कि कमांड एरिया प्रोग्राम निकाला कि इरिगेशन को ज्यादा पानी ना यूटिलाइज करते हुए अच्छे से पेड़ पौधे को उगाने के लिए और सारे एग्रीकल्चर सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए एक कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आई मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को बताएगी कि कहाँ पे कितना, ऐसे कौन से प्लांट्स को हमें और ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा एंकरेज करना चाहिए ग्रो करने के लिए, वैसे वाले चीजों के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में लेके आ गया। ठीक वैसे ही इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि वाटर को कम करना है यूटिलाइजेशन, क्योंकि वाटर जब खत्म हो जाएगी उस एरिया का कुछ वैलिडिटी रहेगी नहीं। इसी की वजह से एक रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के थ्रू, मतलब MGNREGA प्रोग्राम के तरफ से एक प्रोग्राम लेके आ गए, जहां पे वाटर रिसोर्सेस को रिस्टोर करने का कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे 1989 और 90 में। तो ऐसे ही डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए 1995 में, जहां पे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है वहां पे उसको ज्यादा डिग्रेड ना होते हुए देखने के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए गए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। अब उसके बाद क्या हुआ, 1994 में कुछ कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, उसको हमने रेटिफाई कर लिया और साइन कर लिया 1994 में और रेटिफाई किया, मतलब अपने ही अंदर जो स्टेट सॉरी पार्लियामेंट है
जो लोकसभा है उसमें एक एक्ट के तौर पे लेके आके उसको साइन करते हुए हमने ये बता दिया कि डेजर्टिफिकेशन ना होने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपने एक शपथ की तरह ले लिया इस चीज को, तो उसी को कहते हैं कि रेटिफाई कर लिया 1996 में। अब होता क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एक ऐसी बॉडी है 1994 में जो बनी है, लीगली बाइंडिंग है, जो कि रियो कॉन्फ्रेंस 92 में जो लोग बैठे थे वहां पे रियो में, मतलब रियो डी जेनेरो ब्राजील पे, उन्होंने ये कहा था कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रही है, उसको कम करने के लिए हमें कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट लेके आना पड़ेगा कि हर कोई जो मेंबर है ये यूएनसीसीडी का, सबको एक तरीके से बताना है कि आपकी जो स्टेट में या फिर आपकी जो कंट्री में लैंड डिग्रेडेशन हो रही है ना उसको खत्म करना है। इसीलिए 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन भी कहा। और फोकस एरियाज क्या है, एरिड सेमी एरिड और ड्राई ह्यूमिड एरियाज, मतलब ड्राई लैंड्स एरियाज में जहाँ पे भी डिग्रेडेशन हो रही है उनको एम करते हुए। और इसका जो मिनिस्ट्री है कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। अब करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में आते हैं, एक बॉन्ड चैलेंज है, अब रिसेंट वाले करंट अफेयर्स में ही है इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। यही तो इस सीरीज का इंपॉर्टेंस है कि हम सिर्फ स्टैटिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे बल्कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड ये 3-4 साल में जो भी आए हुए हैं उसको लिंकअप करते हुए आपको बता दिया जाएगा ताकि आप अपडेटेड रह सको। और अभी बॉन्ड चैलेंज में देख लेते हैं कि बॉन्ड चैलेंज में ये बता दिया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेड हुआ लैंड को हम 2020 तक हमें वापस लेके आना चाहिए, और 150 मिलियन हेक्टेयर्स 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर्स 2030 तक हमें उससे पहले ही डिग्रेड, मतलब जो नुकसानदायक लैंड्स है ना उसको वापस उनके पूर्व जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तरफ लेके आना पड़ेगा। इसीलिए एक वॉलंटरी बॉन्ड चैलेंज प्लेज को लेते हुए इंडिया ने यही कहा कि पहले तो 13 मिलियन हेक्टेयर्स उन्होंने कहा था कि हम 2020 तक कुछ ना कुछ करके उसको फिर से जैसे वो पहले थी, उस लैंड का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स था उसके ऊपर लेके आ जाएंगे, फिर 2030 तक एडिशनल 8 मिलियन हेक्टर्स लेके आएंगे, ये बता दिया गया है। तो इंडिया प्रेसिडेंसी ले लिया चाइना से अभी रिसेंटली, जो 14 मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो ये गोल ऑफ 15 ये क्यों कर रही है इंडिया, क्योंकि SDG गोल कुछ ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे 17 गोल्स दे रखी है, उसमें जो 15th गोल है वो उसके थ्रू बताती है कि आप ऐसे प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे चीज़ों को अपनाएं जिसकी वजह से आपके नेचुरल रिसोर्सेज कम ना हो। नेचुरल रिसोर्स में तो लैंड भी आता है, तो इसीलिए गोल 15 को अटेन करने के लिए इंडिया ने ये प्लेज ले लिया गया है। और एवरी 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन डे बनाते हैं। और इस वाले थीम को इस साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग्स हुई थी उसका थीम है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब एक कन्वेंशन होता है, जैसे कि बजट में हमारे लोग बैठते हैं ना, बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और कुछ डिसीजन लेके आते हैं, वैसे ही ऐसे कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लेके आई गई है। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लैंड के भी हो सकते हैं, ओशंस के लिए भी हो सकते हैं, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन के भी हो सकते हैं। तो UNCCD ने एक फ्रेमवर्क लेके आ गए इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थ्रू 2018 और 2030, जहां पे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी को कम करने के लिए वो कमिटमेंट लेके आए सारे के सारे 197 कंट्रीज में कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को खत्म करें, और जो लोग इस लैंड के ऊपर उनके जो लाइवलीहुड बन रही है उनके साथ, उनको इम्पैक्ट ना करते हुए, ड्रॉट्स को कम करते हुए आगे बढ़ने के लिए ये स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क लेके आ गए। तो अभी तक हमने देख लिया कि डेजर्ट इकोसिस्टम कितने तरीके के डेजर्ट इकोसिस्टम्स हैं। अब आते हैं इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 वो लेटेस्ट थी। अभी एक लेक्चर सीरीज कंप्लीट करते हुए अगर कुछ नया रिपोर्ट आ गया तो मैं अपडेट कर दूंगी, तो उसकी चिंता मत करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखिए हम बहुत ज़्यादा अंदर जाके पढ़ लेते हैं कि ये फॉरेस्ट कहाँ पे हुई है वो फॉरेस्ट। अगर मान लीजिए इतना सिंपल पूछ लिया कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में आती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है इसीलिए मैंने ले लिया। और इस वाले फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो हाइलाइट्स हैं कि फॉरेस्ट कवर इन्फॉर्मेशन
इतने डिस्ट्रिक्ट्स के बना लिए हैं उन्होंने, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट भी कर लिए, और कार्बन एस्टिमेट्स स्टेट लेवल पे, कार्बन मतलब जो कार्बन जो प्लांट के रूप पे या फिर कुछ ऐसे सिस्टम्स के रूप पे जहाँ पे सॉइल में है या फिर एटमॉस्फेयर में है, कितना कार्बन है स्टेट लेवल पर फर्स्ट टाइम डिसाइड कर लिया। और चेंजेस वाटर बॉडीज मतलब लेक्स पॉन्ड्स रिवर सिस्टम्स, एक 10 साल में कितना चेंज हुआ है। देन फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, बैम्बूस के बारे में बहुत कुछ नया हाईलाइट्स बताते हुए ये रिपोर्ट बताती है। तो ये कौन रिलीज करते हैं, इसको रिलीज करते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एसेस करेगी और मॉनिटर करेगी कि कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं, किस वजह से डिग्रेडेशन हो रही है, उस सारे के सारे बारे में रिसर्च करते हुए ये बताएगी। तो इसने क्या बताया कि इंडिया तो ऑलरेडी रैंक 10 में है वर्ल्ड में, क्योंकि 24% ऑफ 4% एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, मतलब इंडिया के अंदर 21.53% इज अंडर फॉरेस्ट। तो हमने पहले से ही टारगेट बना के रखी है कि 33% हमें लैंड एरिया मतलब इंडिया के लैंड एरिया जितना भी है, 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स जितना लैंड है, उतने लैंड में 33% हमें फॉरेस्ट कवर लेके आना चाहिए। और इसमें ये बता दिया गया है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर किस एरिया में इंक्रीज हुई, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है और ओपन फॉरेस्ट क्या है, इस वाले सेशन में देख लेते हैं कि वेरी डेंस, देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट वो एरिया है उस लैंड में जहाँ पे 70% मोर ट्रीज पाए जाते हैं, और जिस एरिया में 40 to 70% है वो मॉडरेटली डेंस कहते हैं। ओपन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे 10 to 40% मतलब बहुत ही कम, पिक्चर भी देखते जाइए जैसे मैं बता रही हूँ। और स्क्रब देखिए, स्क्रब मतलब less than 10%, नॉन फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे कुछ पाए ही नहीं, वहाँ पे कुछ फ्लोरल वेजिटेशन बिल्कुल है ही नहीं। तो इसीलिए इस रिपोर्ट ने यही कहा था कि वेरी डेंस मतलब, वेरी डेंस मतलब जैसे कैनोपी जिसका मतलब ट्री डेंसिटी जिसका 70% और मोर है वो ज़्यादा बढ़ती गई, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि जैसे ये 70% ऑफ मोर फॉरेस्ट बढ़ती जाएगी उतना हमारा डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम 33% को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि एग्रो फॉरेस्ट्री भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो अभी तक देखिए कि 15 स्टेट्स में 33% के ऊपर भी हमें फॉरेस्ट मिली जाती है, और 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो 75% के ऊपर भी फॉरेस्ट कवर है। वो कौन सी स्टेट्स हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। एंड लीडिंग स्टेट्स मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया के तौर पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया के तौर पर, अभी तक हमने एरिया के तौर पे देखा, अभी परसेंटेज पे देख लेंगे। परसेंटेज ऑफ एरिया मतलब लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, जो 90, 86 एंड 81 बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फिर ग्रीन कवर देख लेते हैं, वेरी डेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उत्तराखंड में ज़्यादा बड़ी, देन सिक्किम और मणिपुर में भी परसेंटेज बढ़ी है। और फिर ग्लोबल ट्रेंड पे देख लेंगे कि ग्लोबल ट्रेंड पे ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है एक रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है एक ऐसी रिपोर्ट, उसमें बताया दिया गया है कि हर साल जो फॉरेस्ट का परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा ना, उसमें इंडिया का वर्ल्ड पोजीशन इज 8th, एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखा रही है हर साल इंडिया। तो कार्बन स्टॉक इंडिया में मतलब कार्बन स्टॉक इन द सेंस प्लांट वाला स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक मतलब क्या है, जो एटमोसफियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से वो लेके प्लांट्स फूड बनाती है, तो वो कार्बन स्टॉक कितना है, 7083 मिलियन टन। फॉरेस्ट फायर्स ओपन फॉरेस्ट में ज़्यादा होती है ना कि मॉडरेट डेंसिटी फॉरेस्ट में। 2012 से लेकर 16 तक लेते हुए सीवियर फायर्स हैव अकर्ड, तो मॉडरेटली डेंस और वेरी डेंस फॉरेस्ट में ज़्यादा फायर्स होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फायर्स और ज़्यादा आगे बढ़ने की मौका मिलेगी उनको। और अभी देखिए इस स्लाइड में आप नीचे वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बस ऊपर वाले दीजिए कि 2013 में हमारा एरिया 6,97,000, अभी 2017 में 7,08,000, विच इज नॉमिनल बट इंक्रीज बढ़ते हुए जा रहा है। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट इट हैज़ बीन डिक्रीज प्रीवियसली 2015 से, तो वो गलत होगा स्टेटमेंट। तो अभी मैंग्रोव के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि 181 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा बढ़ी है, और ऐसे 12 मैंग्रोव स्टेट्स हैं जिसमें से सात ने बहुत अच्छे से पॉजिटिव इंक्रीज दिखाया। और बैम्बू 1.73 मिलियन हेक्टेयर्स बॉडीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इनसाइड द फॉरेस्ट सॉरी
जो वाटर बॉडीज मतलब लेक्स और पॉन्ड्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, इनसे द फॉरेस्ट इज इतना एरिया, और सारे के सारे ने बढ़ते हुए नजर दिखाया इस रिपोर्ट के दौरान। तो फॉरेस्ट फायर्स कितना हुआ और कहाँ कहाँ हुआ ये दिखा रही है, और फॉरेस्ट कवर जहाँ पे डिक्रीज हुई ये येलो वाला पोर्शन में दिखा रही है कि अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड दिखा रही है लूजिंग पोजीशन पे, और गेंस वाले पोजीशन पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड ओडिशा। फर्स्ट 4 और 5 पोजीशन याद रख लीजिएगा। आप अगर किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बस 2 याद रख लीजिए, टॉप 2, दैट इज मोर देन इनफ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं कि लीफ मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि डेजर्ट वाले जो फ्लोरल और फॉनल होते हैं ना, जहाँ के टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे जैसे भी सर्वाइव करना है, कैसे भी करके सर्वाइव करना है, तो ऐसे लोग, ऐसे फ्लोरल एंड फॉनल वेजिटेशन और एनिमल्स क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके जो बॉडी के अंदर ही चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे कि ये तीनों के तीनों देख लीजिए, उनके वैक्सी लीव्स बनाते हैं ताकि वो वाटर बाहर ना एक्सपेल ना हो जाए। देन लीव्स कुछ किसी कई का तो लीव्स भी नहीं होते, जैसे कैक्टस का देखिए कुछ लीव्स वीव्स नहीं होती है क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होना चाहिए। थॉर्न्स विल बी देयर लीव्स के बजाय ताकि वो एवापोरेशन के तौर पे वाटर को डिवॉल्व नहीं करना चाहते बाहर। तो इन चीज़ों को अडेप्ट करते हुए डेजर्ट एरियाज में लीफ मॉडिफिकेशन लेके आती है। तो वही है क्वेश्चन। तो अगर ये सेशन अच्छे से कर लोगे ना, ये ऐसे क्वेश्चंस को आसान से कर लोगे, क्योंकि आपको तकलीफ वही होगी जहाँ पे 2 ऑप्शंस को तो आप अच्छे से निकाल पाओगे, पर थर्ड वाले ऑप्शन पे देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले वाले सेशन में हम पढ़ेंगे, अभी तक डेजर्ट बहुत ही खराब वाला पोर्शन पड़ गया ना, जहाँ पे बहुत कम टाइम मतलब बारिश होती है। तो अभी आके अगले वाले सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा पानी हो, तो इसीलिए एक्वेटिक और वेटलैंड इकोसिस्टम को कुल मिला के मैंने एक यूनिट बना दिया, और उस सेशन के उस यूनिट को अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक पीजीपी गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में एक बार और बता दूं आपको, क्योंकि एक इतना अच्छा प्रोग्राम है जो एक एक्सपीरियंस मेंटर जैसे कि अरोरा सर हैं जो आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक डिफरेंस फील करना चाहिए आपको कि आप इस मोड प्रिपरेशन मोड पे कहाँ कहाँ हो और कहाँ आपको पहुँचना, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किसी का तो सहायता होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, जिनको पता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए आपके आंसर राइटिंग स्किल्स। तो अरोरा सर विल हेल्प यू इन दैट। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस बिलो वाले मेंशन डिटेल्स के थ्रू। और अगले सेशन तक, तब तक जय हिंद।